वालेकुम कैसे आप सब लोग वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत क्विक सा मैं आपके साथ अपनी डिनर व्लॉग शेयर करूँगी कि मैंने जल्दी जल्दी में कैसे डिनर रेडी किया था अपने लिए बिल्कुल शाम का टाइम था तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं दिल कर रहा था कि मैं दाल चावल खाऊँ तो बस आज सवा सात का टाइम था मैं जल्दी से गई किचन में और जो मूंग की दाल होती है और जो मसूर की मसूर की दाल होती है ना रेड एंड येलो वाली इन दोनों दालों को हम मिक्स करके बनाएंगे मैं मूंग की दाल लूँगी नॉर्मली जो जो भी साइज आए उसका दो हिस्सा और जो है ये मसूर की दाल ये थोड़ी तो सी गर्म होती है तो ये मैं उसका मूँग की दाल का हाफ पार्ट लूँगी तो इसको मैंने जल्दी से धो के अच्छे से पानी में थोड़ी देर के लिए दिया तो उतनी देर में प्रेशर कुकर में पानी वगैरह डाल दिया था फिर हमें जल्दी से इस दाल को इसके अंदर कर करते हैं और जो भी मसाले हैं वो हमें जल्दी से कटिंग करने हैं जैसे कि जिसमें है प्याज सबज मिर्चें बस और इसके साथ हम डालेंगे इसमें नमक गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर सिंपल से मसाले डालेंगे और इसको हम प्रेशर लगा देंगे जब तक ये दाल गलेगी हम तब तक तड़का इसका रेडी कर लेंगे तड़के के लिए मैंने जस्ट लिया था साबुत गर्म मसाला जिसमें है दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची दूसरी तरफ मैंने प्रेशर को सॉरी प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हो गया था तो लहसन मैंने ऐड डाल डाल दिया है कि जल्दी से तड़का भी रेडी हो जाए जब तक हमारी दाल गलेगी तब तक तड़का भी रेडी हो गया था और मैंने सैलड भी कटिंग कर लिया था सैलड में सिंपल सा मैंने क्योंकि और चटनी बनाई थी आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि दाल को मैंने चार से पाँच मिनट दिए थे तो उसके दौरान दौरान मैंने चावल भी निकाल के रख लिए थे और सिलेंडर भी कटिंग कर लिया था और हस्बैंड के लिए चाय भी रात के लिए बनने रख दी थी क्योंकि मैं टाइम से चाय बना लेती हूँ बाद में जस्ट मुझे गर्म करके उन्हें सर्व करनी होती है जैसे दाल अच्छे से टेंडर हो गई थी क्योंकि मैंने दाल को काफ़ी अच्छे से मैश करना था मैंने इसमें लगा दिया था तड़का जो कि बहुत सिंपल सा तड़का था कोई ख़ास नहीं था तो जल्दी से हमारी दाल भी रेडी हो गई थी दूसरी तरफ मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था कि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो मैं इसमें नमक ऐड करके चावल ऐड कर दूँगी क्योंकि मैं दाल चावल ही खाऊँगी लेकिन मेरे हस्बैंड बॉयल राइस नहीं खाते तो उनके लिए मैं बनाऊँगी रोटी सिंपल सी और जल्दी जल्दी से हमारा खा रात का खाना रेडी हो जाएगा क्योंकि रात को ये होता है कि इंसान को होता है कि जल्दी जल्दी से गर्म गर्म खाना हमें मिल जाए जल्दबाजी में मेरे से ये हुआ था कि थोड़ा सा ऑयल तवे पे गिर गया था खैर जल्दबाजी में ऐसे काम तो होते ही रहते हैं जैसे ही पानी में बॉइल आया हमने इसमें ऐड कर देना है जो हमने राइस भुगो के रखे हुए हैं अगर आप तब तक मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा चावल बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं साथ में हम अपनी रोटी भी बना लेते हैं ताकि हमारे काम जल्दी से ख़त्म हो जाए मुझे अच्छा लगता है अपने आप को चैलेंज देना कि जल्दी से जल्दी वाले काम कर लूँ और फिर फ्री होकर बैठ जाऊँ क्योंकि मुझे होता है कि ब्लॉग वगैरह रिकॉर्ड करने होते हैं या फिर ऑनलाइन काम होता है जो ऑर्डर्स वगैरह लेने और देने ये सारा कुछ करना होता है तो बस आज शाम में बिल्कुल मेरा मूड नहीं था क्योंकि ऑलरेडी सालों पड़ा था लेकिन बस दिल ने कहा कि नहीं दाल चावल ही खाने हैं तो मजबूरन मैंने उठ के दाल चावल बना लिए थे और मुझे लगता है दाल चावल सबके मोस्ट फेवरेट होते हैं हस्बैंड साथ में लेके आ गए थे चिप्स बाहर से और बाकी का खाना मैंने रेडी कर लिया था अब हम खाना खाएंगे आप तब तक वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप सबके सपोर्ट की हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन रमज़ान की तैयारी ब्लॉग भी बहुत जल्द मेरे चैनल पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो भी वीडियो आए आपको मिलती रहे मुलाकातों की बहुत जल्द तब तक के लिए अला हाफ